बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी बारी बारी से पावर में आती रही हैं, तो इनकी ताकत बनी हुई है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी बहुजन समाज पार्टी शून्य हो गई और समाजवादी पार्टी 2 पर टिक गई। तो इन्हें लग रहा है कि हमारा जो वोट परसेंटेज उस आधार पर हम दोनों मिला करके और पावर में आ सकते हैं, लेकिन जनता इस रहस्य को समझती कि ये लोग सरकार में आने के लिए ब्लैकमेल करेंगी। तो कांग्रेस को साथ न देकर के ये या कांग्रेस को साथ न लेकर के ये साबित करना चाहिए कि हम बहुत ताकतवर हैं और हमें किसी भी ऐसे कांग्रेस की जरूरत नहीं, जबकि मध्यप्रदेश में कांग्रेस से दोनों पार्टियां समझौता चाहती थी। तो अब मुश्किल ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां इसी तरह का बिहेवियर करती हैं और राष्ट्रीय राजनीति में वो ब्लैकमेलिंग के जरिए, प्रकारांतर से ब्लैकमेलिंग ही कही जाएगी, वो पावर में आना चाहती हैं। सपा बसपा केवल पावर बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स करती हैं, ये पावर में तो इनको आना नहीं केंद्र में, लिहाजा लड़ाई, असल लड़ाई पूरे देश भर में केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच होगी। ये उसमें एक पेंडुलम की भूमिका में होंगे, इधर लटक जाए या उधर लटक जाए, तो ये स्थिति इनकी रहेगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो तो उससे पहले उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन जरूर हो जाए, लेकिन इसमें समस्या है सीटों के बंटवारे की। सपा और बसपा ने अपने अपने हिस्से बांट लिए हैं और कांग्रेस को बेहद कम हिस्सा देने की तैयारी है। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से दोनों ही दलों को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के गुस्से की यही वजह है। ईटीवी के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।